हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 को। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है। बोला गया रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन। अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसमें से कुछ दूरी ट्रेन से करती है, कुछ दूरी बस से करती है। यदि उसे 4 घंटे लगते हैं, यदि वो 60 किलोमीटर तो बस से तय करे, ट्रेन से तय करे और बाकी का बचा हुआ बस से तय करे। ठीक है, ये होगी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 यहाँ से शुरू होती है। बोला गया इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर दूरी तय करे, बाकी बची हुई बस से तय करे, तो जितना समय उसे पहले लगता था उससे 10 मिनट और ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लो पहले लगते थे 4 घंटे, अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, दोनों की अलग अलग स्पीड बताओ क्या होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया, जो चीज़ निकालनी उसे एज्यूम कर ली कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एंड लेट स्पीड ऑफ बस, उसे मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बेसिकली टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद मेरे पास दो अलग अलग सिचुएशन है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पहली सिचुएशन, जैसे मान लो रूही है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करनी है उसे, और ये दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। बोला गया था 4 घंटे का समय लगता है, कब, जो 60 किलोमीटर ट्रेन से दूरी तय करे। मान लो ये दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और किससे करते तय करती है ये बाय ट्रेन। तो अगर 300 में से 60 इसने ट्रेन से कर दी तो बाकी कितनी बची 240 किलोमीटर, ये किससे करती है बाय बस। और ऐसे करके इसको कितना समय लगता है 4 घंटे। 300 में से 60 करती ट्रेन से, बाकी 240 करती बस से, और इसको समय लगता है 4 घंटे। फिर यही आगे दोबारा बोला गया है, टोटल दूरी तो वही 300 किलोमीटर है, गांव तो उसको 300 किलोमीटर ही जाना है। इस बार उसने 100 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय कर दी बाय ट्रेन, बाकी कितनी बची 200 किलोमीटर, वो इस बार इसने तय की बाय बस से। और ऐसे करके उसको 10 मिनट ज़्यादा लगे, मतलब 4 घंटे तो लगे ही लगे, 10 मिनट और ज़्यादा लगे। तो ये मिनट में है, क्वेश्चन आवर में चल रहा है, मिनट आवर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 60 का। ठीक है, ताकि इसमें आ जाइए, आवर में आ जाए, 0 से 0 कटा, 4 6 24 में 1 ऐड कर दिया, 25/6 आवर। तो टोटल आवर कितने लगे उसको 25/6, कैसे निकाला, मिनट है आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दिया, 0 से 0 कटा, दोनों को प्लस कर रहे हैं, 6 4 24, 1 प्लस कर दिया 25/6 आवर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मेरा डिस्टेंस है, 4 घंटे लगे ना, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, किससे तय किया ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस बस से कितना तय किया 240, बस की स्पीड कितनी है y, इसका समय आया, ये ट्रेन का समय और ये बस का समय, और ऐसे करके टोटल समय कितना लगा 4। इस पर आ जाओ, ट्रेन का कितना 100, ट्रेन की स्पीड x, ये ट्रेन का समय आ गया, जितना ट्रेन ने समय लिया, बस की दूरी 200, स्पीड कितनी बस की y, और ऐसे करके उन्होंने कितना समय लिया 25/6। जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए आप उसे एज्यूम करके सॉल्व करो। मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो 1/x है वो a है, 1/y है जो मेरा b है। ठीक, 60 का 60, साथ में कुछ भी नहीं है 1 मान लो, तो 1/x की वैल्यू कितनी मानी मैंने a, कुछ भी नहीं 1 मान लो, 1/y की वैल्यू कितनी मेरी b, 240b = 4। पूरी इक्वेशन में 4 का डिवाइड जा रहा है, अगर इक्वेशन छोटी हो रही हो तो उसको छोटा कर लेना, ज़्यादा आसान रहेगा, 4 का डिवाइड दिया डिवाइड बाय 4, कितना है 15 × 60, हाँ साथ में इसके b भी चल रहा है, 4 × 1 = 4, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके साथ में कुछ भी नहीं 1 मान लिया, 100, 1/x को मैंने क्या माना है a, साथ में कुछ भी नहीं 1 मान लिया, कितना हुआ 200 b,
25 बटे में 6, नीचे कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई में चला गया, 6 को से मल्टीप्लाई किया 600 ए, 6 दूनी 12, 25 का 25, पूरी इक्वेशन में 25 का डिवाइड जा रहा है, छोटी हो रही है, इसको छोटा कर लिया जाए, डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25, ठीक है, डिवाइड दिया 24 ए, डिवाइड दिया ठीक 48 बी, यहाँ पर 25 में 25 का डिवाइड दे कितना आया, एक आया, ठीक है, इसे नंबर दे दिया 2, या तो मुझे ए को इक्वल करना है या मुझे बी को इक्वल करना है, तो यहाँ पर तो ए को इक्वल करना ज़्यादा आसान होगा। अब ए को इक्वल कैसे करेंगे, देखो जरा, मैंने 15 और 24 दोनों का एलसीएम लिया, 12 दूनी 24, 2 छः के 12, 2 तीया 6, 5 एकम 5, 5 तीन 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि दोनों को एलसीएम करने पर 120 के इक्वल आ रहा है, तो मुझे इसे और इसे 120 बनाना है, ठीक है, तो 120 बनाने देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली या तो ए को इक्वल किया जाता है या बी को इक्वल किया जाता है, तो यहाँ मैं ए को इक्वल कर रहा हूँ, इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लिया कितना है 120, 15 को किससे गुणा करूँ 120 आ जाए, 15 एट जा 120, 15 अठे 120, ठीक है, 24 को किससे गुणा करूँ 120 आ जाए, 24 पाँचे 120, 24 फाइव जा 120, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 120 है, 6 एट जा 48, बी 8 वन जा 8, 120 ए मल्टीप्लाई किया 240 बी 5 वन जा 5, दोनों का इक्वल आ चुका मेरा, ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के इक्वेशन को ले लेंगे हम, चलो इसे अगले पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरी इक्वेशन आई 120 ए 480 बी इज इक्वल टू 8 एंड 128 240 बी 5, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस है एलिमिनेट करने के लिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया, माइनस किया 042, माइनस किया कितना आया 3, मल्टीप्लाई में है किस में आया, डिवाइड में 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, बी की वैल्यू मेरी कितनी आई 180, ठीक है, पुट कर दो या तो 1 में या 2 में, तो मैंने इसको 1 में पुट किया, 1 मेरी कितनी ये रही 15 ए 60 बी, बी की जगह मैंने 180 रख दिया, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, प्लस का 3/4 उधर ही एक्स को आ जाएगा, माइनस का 4 1 जा 4, माइनस का 3, 4 में 3 क्या 1/4, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, 15 4 जा 60, ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 60 आ गई, ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 60 आ गई, बी की वैल्यू मेरी 180, मैंने 1/x को ए माना था, 1/y को बी माना था, ठीक है, ए कितना 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर कितना आया 60, बी मैंने कितना माना था 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि जो x था मेरा वो कौन थी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ मेरी जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस वो कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे x माना था मैंने और इसे मैंने y माना था, तो दोनों मेरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।